हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं आपको लेकर आई हूँ सनफ्लावर नेक डिजाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बैक पार्ट ले लिया है और उसमें ये जो देखिए हमने बीच में निशान लगाया था शोल्डर में, और अब हम इसमें चाक से इस तरह से गले का निशान लगा लेते हैं। तो ये मैंने निशान लगा लिया है और अब हम यहाँ पर लेने वाले हैं 2.5 इंच। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच ऐसे ले लिया है और इस 2.5 इंच के हम निशान लगा लेते हैं। ये हमारा बिल्कुल चंदे के आकार का गोल बन जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, आपको इस तरह कटिंग करनी है, बीच में 1 इंच का गैप छोड़ देना है। देखिए, मैंने यहाँ पे गैप छोड़ दिया है और हम इसको सीधा करते हैं। देखिए, हमारा कितना अच्छा सा गला कटिंग हो गया है। और अब हम यहाँ पर लेते हैं, देखिए मैंने अब हम यहाँ पर एक पेपर लेते हैं और इस पर स्टिचिंग कर लेते हैं। आपको पूरे नेक पर इस तरह स्टेचिंग कर लेनी है। देखिए, मैंने यहाँ पे स्टेचिंग तो कर ली है और अब हम डिज़ाइन बनाने के लिए 4 इंच का ये देखिए हमने कपड़ा कट कर लिया है, और इसी तरह हम 4 इंच का सारा कपड़ा कट कर लेते हैं। देखिए, हमने कर लिया है और अब हम इसमें डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो आपको डिज़ाइन कुछ इस तरह बनानी है। एक देखिए, यहाँ पे मैंने कॉर्नर से कॉर्नर को फोल्ड किया है और इस तरह दूसरे कॉर्नर को भी फोल्ड करते हुए हम डिज़ाइन रेडी करते हैं। ये देखिए, आपको सारी डिज़ाइन इसी तरह की बनानी है। मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाकर दिखा दी है आपको। इसी तरह आप पूरी डिज़ाइन को बनाकर रेडी कर लेना। ये देखिए, मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बना ली है और रेड कलर की पट्टी ली है, और अब हम इसकी भी डिज़ाइन बनाने वाले। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन बना ली है और इसी तरह पूरे ये जो हमारा फैब्रिक है इसकी डिज़ाइन बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बना ली है और ये देखिए, हमने यहाँ पर ये कुछ इस तरह की डिज़ाइन बनाई है। आप चाहे तो इसे कहीं पर भी लगा सकते हो, सूट वगैरह कहीं पर भी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर नेक पर यूज़ किया है इसे। डिज़ाइन आपको कुछ इस तरह लगानी है। देखिए, जो हमने स्टिचिंग की थी, अब हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल अलग कर लिए हैं हमने, और अब हम बीच से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले बीच में लगाना स्टार्ट किया है और इसी तरह लगाते जाएंगे। पूरे नेक पर हम इसी तरह डिज़ाइन बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर रेड कलर की डिज़ाइन जो है वो बनाकर रेडी कर ली है, और अब हम व्हाइट कलर की लगाने वाले हैं। तो आपको व्हाइट कलर की डिज़ाइन इस तरह लगानी है। ये देखिए, हमारा कितना अच्छा नेक डिज़ाइन बना है। इसी तरह आप पूरे गले पर बना लेंगे।
ये देखिए हमने दोनों कलर के डिज़ाइन बना लिए हैं। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है और उसको कट कर लेते हैं। देखिए आपको बिल्कुल पास से कट नहीं करना है, आधा इंच का गैप देना है, नहीं तो हमारी जो सिलाई है वो कट जाएगी और फिर डिज़ाइन हमारी हट सकती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल कटिंग कर ली है इसकी, और अब हम इसमें कुछ और डिज़ाइन भी लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लेस ली है और हम ये ऊपर वाला जो गला है हमने कट किया था, इस पर हम लेस लगा लेते हैं। ये हम फोल्ड करते हुए लेस लगाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं और अब हम इसको फोल्ड करते हुए लेस लगाएंगे। इसी तरह आपको पूरे गले में लगा लेनी है। ये देखिए मैंने पूरे गले में लेस लगा ली है और अब हम इस पर डबल सिलाई लगा लेते हैं ताकि ये जो हमारी ये लेस है ये उठी उठी सी ना हो सके। और अब हम हटाने वाले हैं इस कागज़ को। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको हटा लिया है और यहाँ पे मैंने ये कपड़ा लिया है और इसमें से बनाने वाले हैं पाइपिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पट्टी को कट कर लिया है इसी तरह। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करते हुए सील लेते हैं। ये देखिए इसी तरह पूरी पट्टियों को सील लेते हैं। ये देखिए मैंने आप पट्टियों को सिल लिया है और कट भी कर लिया है, जितनी की हमारे गले में आ सके उस हिसाब से मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की पाइपिंग को कट किया है। अब हम इसको फोल्ड करते हुए इस तरह लगाएंगे। ये देखिए आपको पाइपिंग के साथ लेस भी लगाते जानी है। ये देखिए जैसे कि मैं लगा रही हूँ। बीच में 1.5 इंच का गैप देना है और फिर इसे लगाना है और लेस को इस तरह लगाते हुए जाना है। इसी तरह हम पूरे गले में लेस लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरे गले में लेस लगा ली है और ये ली है हमने पाइपिन। तो इस पाइपिन को अब हम इसके अंदर डालते हैं। सुई या पिन की मदद से आप इसे इसके अंदर डाल सकते हो। इसी तरह ये जो हमारी पूरी पाइपिन बनाई है हमने इसी तरह इसके अंदर डालेंगे इस पाइपिन को भी। ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरा नेक डिज़ाइन जो है बना लिया है और अब हम इसमें लगाने वाले फोंदा। तो मैंने यहाँ पे ये कपड़ा लिया है और अब इसको बिल्कुल चौकोर कट कर लेते हैं 4 इंच का दोनों साइड से। और अब हम इसको बनाने वाले कॉर्नर से इसको फोल्ड। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक फोंदा है जो बना कर रेडी कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेते हैं और इसको फोल्ड करते हैं। तो ये देखिए हमारा कितना प्यारा सा फोंदा जो बनकर है वो रेडी हो गया है। और इसी तरह हम दूसरे फोंदे को भी बना लेते हैं। रेडी हमारा ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन।
और इसी तरह ब्यूटीफुल डिज़ाइन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पीके डिज़ाइन आर्ट लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि वीडियो में कोई भी मिस्टेक दिखे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो ताकि मैं उसे आपको समझा सकूं। तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर द वीडियो, मिलता है।